कल दोपहर से हम लोगों ने गांव भगोला में सर्च ऑपरेशंस चलाया, जिसपे 21 गोडाम्स को सर्च करके सील किया गया, क्योंकि उसमें भारी मात्रा में करोड़ों की फायर क्रैकर्स मिली और साथ ही साथ 50 लाख रुपए का भी अनअकाउंटेड 50 लाख रुपए का सीज़र भी हमने किया, और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिससे ये दिखता है कि जीएसटी का भी बहुत ही बड़े पैमाने पर उस पर इवेजन हो रहा था। हाँ, 50 लाख कैश यानी नगदी सीज की गई है जो अनअकाउंटेड है, जैसा कि आपको पता ही है कि कैश में लेन देन मना है बहुत बड़े अमाउंट का, तो 50 लाख सीज की गई है, अनअकाउंटेड है सर, अगर अभी। आपसे सवाल ये किया जाए, किस तरीके से आप लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये गलत है या सही है, अगर इतनी बड़ी चीज़ करें तो? हमें हमारे अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस से इन्फॉर्मर होते हैं, और हमारे पास टेक्निकल ह्यूम इंट कहते हैं उसको, और हमारे पास टेक्निकल इंटेलिजेंस के भी बहुत सारे टूल्स हैं। हम उन सब को मिलाकर उनकी विवेचना करके एनालिटिक्स करके तब हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, और जब स्टॉक में मिसमैच होता है या अनअकाउंटेड स्टॉक होता है या अनअकाउंटेड कैश मिलता है बड़ी मात्रा में, 2 लाख से ऊपर अनअकाउंटेड कैश मिलता है, जिसको व्यापारी गण वो बता नहीं पाते हैं कि इतना कैश कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, तब हम उसको सीज करते हैं। सर एक सवाल और है, जिनका आपने पैसा जब्त किया उनके कोई नाम आप बताना चाहेंगे या उस फर्म का नाम बताना चाहेंगे? मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन की जो अन्वेषण की जो प्रक्रिया है वो अंडर वे है, तो ये मेरे ख्याल से ये उचित नहीं होगा कि अभी हम उन बंधुगणों का नाम या फर्म का नाम हम प्रकाशित करें।